मला खरंच खूप वाईट वाटतंय. मी मी प्रकाश जिजाजींशी उद्या सकाळीच बोलते. मला असं वाटतं ते समजून घेतील मला. आय होप सो. पण मला एक कळत नाही की उर्मिला जीजी असं का वागतायत. म्हणजे असं कधी करत नाही ते. हां कभी नहीं करती हूं ऐसे. नहीं परेशान है शायद. खैर कोई बात नहीं, मतलब करेंगे आपस, कोशिश करेंगे. आप सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, पूजा है ना. पूजा नंतर सगळं ठीक व्हायला हवं. म्हणजे प्रकाश जिजाजींचंही काम सुरळीत सुरू होईल. यही तोड़ाली थी. हे भगवान, पुटली खा गई. चोरी जी, दरवाजा आपने बंद किया था? नहीं मैंने गेला. नहीं हमने भी बंद नहीं किया था. माता जी, पूजा की सामग्री आपने सब देख ली? लाइए हम भी मदद कर देते हैं. ये देखो, तुम्हारे और तुम्हारी बहुओं के होते हुए हमें बाती बनानी पड़ रही है. नहीं माता जी, वो क्या है, हमने सरला से कहा तो था लेकिन लगता है भूल गई. नहीं हम अभी बना देते ना. दादी जी, अम्मा जी, चाय. ये चाय वाय रहने दो सरला. हमने तुमसे बाती बनाने का छोटा सा काम किया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ. हाँ किसी लायक नहीं हो तुम. अब देखो पूजा के दिन माताजी से हमें बातें सुननी पड़ रही हैं. नहीं नहीं अम्मा जी, हम तो करने ही वाले थे, लेकिन क्या हुआ ना, जीजा जी ने कहा कि वो कर लेंगे और उन्होंने हमें कमरे में जाने के लिए बोल दिया. अब हमें क्या पता था कि वो भूल जाएंगे और हमें आपसे सुनना पड़ेगा. अब तुमने काम ही ऐसा किया है, बातें तो सुननी पड़ेंगी ना. और भला कोई घर के दामाद से काम करवाता है? हाँ पर किया कहाँ काम, वो तो भूल गए ना. अच्छा हुआ भूल गए दामाद जी, वरना पाप चढ़ता हमारे सर. अच्छा अब जाओ रसोई देखो. जी दादी जी. कुछ अम्मा जी. नहीं नहीं ये सब रहने दो, ऑफिस के लिए देरी हो रही होगी ना. जाओ. नहीं अम्मा जी, मैंने छुट्टी ली है आज ऑफिस से. क्यों क्यों तब भूल गई का? कल हमने तुम्हें बताया था ना कि इस पूजा में मुन्ना और मुंबई वाली बैठेंगे. लेकिन माता जी, हमने तो आपसे कहा था ना कि पूजा में उर्मिला और दामाद जी बैठेंगे. मुन्ना चाहे तो बैठ सकता है. देखो ये आजकल हम तुम्हारे घर गृहस्थी के चोचलों में नहीं बोलते. इसका मतलब ये नहीं कि हमने संन्यास ले लिया है. नहीं माता जी, हम तो कह रहे थे कि बस ये घर हमारा है और हमारे घर की पूजा में हमारी बहू बैठेगी. इस घर की ब्याहता बेटी नहीं. और अगर उर्मिला को पूजा करनी है ना तो अपने ससुराल में जाकर करे, मायके में नहीं. Thank you.
आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। रहने दो गौरी, सरला लेकर आएगी चाय। सरला चाय लाओ। जी अम्मा जी, लाते हैं। उर्मिला नमाज जी कैसे हैं? ठीक तो है? कहाँ अम्मा, कहाँ ठीक है। देखिए ना, काम की वजह से कितने परेशान रहते हैं। कल रात में इतनी देर से आए और आज सुबह सुबह भी इतनी जल्दी निकल गए। उन्हें तो होश ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। पुटली पागल हो जाएंगे। पुटली गई, खिड़की से बाहर फेंकी हमने, नीचे कोई था भी नहीं, सर चकरा रहा है हमारा। इतनी मेहनत से चोरी की थी, पता नहीं कौन पोटली चुरा के भाग गया। अरे अब हमको क्या पता कौन पोटली चुरा के भाग गया है? लेकिन तुम इंसान ढंग के नहीं हो, एक काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। काके एक काम ढंग से ही किया था मामा जी, पता नहीं कौन हमसे दाव खेल के चला गया। बेटा प्रभुदयाल पांडे चक्की जीजी का उच्च कोटि का अभिनय देखा आपने? कहा कहीं यहाँ हम लुट गए और आप लोग हंस रहे हैं। अरे बेटा, जब तुमने खिड़की से वो जेवरों की पोटली फेंकी थी ना, तो तुम्हारे मामा वहीं छुपे हुए थे एक तरह, और दबे पैर वहां पर पहुंच गए। मामा ने इधर उधर देखा, इससे पहले कोई देख ले तो मैंने पोटली को अपने कब्जे में ले लिया, और मौका पाते ही पोटली पे हाथ मार दिया, और ऐसे पोटली मेरे कब्जे में आ गई। कहा कही? बिल्कुल बुरी कही मामा जी, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। अरे जान जाए तुम्हारे दुश्मनों की बेटा, आज तो खड़े हो जा, मामा के गले लग लो। अरे आज तो तुमने बड़ा कमाल का काम किया, क्या माल मारा हाथ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काकी दुश्मन तो आप है हमारे, तभी तो आपने हमारे साथ ऐसा जानलेवा मजाक किया। अब जाने भी देना बेटा, तेरे मामा ही तो है, बेवक्त यही काम आते हैं हमारे, और भविष्य में तेरा मामा ही तेरे काम आएगा, तेरे ऊपर लगा हुआ हर दाग तेरा मामा ही धोएगा। काकी अरे अब जरा हंस भी दे हैं काकी। एक फोन फोन फोन, भाभी श्री का फोन है, भाभी श्री का। जय गंगे भाभी श्री। आदेश जीजा जी कुछ कीजिए, ये गौरी ने तो छुट्टी लेके हमारी पूजा खराब करने की ठानी है। भाभी श्री तो आप ही बताइए ना कि हम क्या करें। क्या कही? नहीं हम क्या कह रहे हैं, आप तिवारी जी से बात कीजिए ना, तिवारी जी से कह के गौरी को ऑफिस में बुलवाइए। हम नहीं चाहते हैं कि इस पूजा में कोई विघ्न डले, आप समझ रहे हैं, पूजा होनी बहुत जरूरी है। आपकी आज्ञा सर माथे पे भाभी श्री, आप फोन रखिए, हम अभी दो मिनट में उस गौरी को आपकी आंखों से ओझल कर देते हैं। काकई जय गंगे भाभी श्री। साड़ी नहीं सुमी शिव, काय करतोस, मला मदत कर ना, कुठली साडी नेसू? जे वाली साडी पहन ही, ठीक है। नहीं 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 रुकिए, ये कलर अच्छे लगेंगे आप पे, ये साड़ी पहन लो।
ही चले। नहीं ये भी नहीं, रुकिए। अरे शिव, तू तू काय करतो इस तेवती साड़ी? अरे तू ना मला अजून कन्फ्यूज कर देते, ते ढीक केलास तू साड्यांचा, मी बघते माझं काय। हेलो श्रीमती शुक्ला, हम तिवारी बोल रहे हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। आप अभी के अभी ऑफिस से अर्जेंट आ जाइए। अभी अभी नहीं आ सकती सर, मैं हमारे घर पूजा है ना, तो हमें कोई बहाना सुनना नहीं है। हमने जो 50 टैक्सियों की पॉलिसी टर्मिनेट की थी वो सब के सब आज आ रहे हैं मीटिंग करने को, और आपको आना यहाँ जरूरी है सर। लेकिन हेलो जी, अच्छी लगेगी शिवरे, माला तिवारी सर ने अर्जेंट ऑफिस ला बोलो ले जावे लगे अभी। चलिए फिर हम छोड़ के आते हैं आपको। हाँ नहीं नहीं, तू तू ना कोई उस घरी पूजा है ना, तू आलस तो अम्मा जी चिड़तील, नाराज होतील। मी हाँ मी आवरते आणि निघते। सरला, अरे तुम यहाँ क्या काम कर रही हो? जाओ जल्दी से अच्छी साड़ी पहन के तैयार हो जाओ, जाओ। नहीं अम्मा जी, हम ना वो अच्छी वाली वो भारी वाली साड़ी पहन लेंगे ना तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। हाँ। वो तो काम करने की क्या जरूरत है सरला, जाके तैयार हो जाओ, हो सकता है पूजा में तुम्हें बैठना पड़े। हाय अम्मा जी, दादी जी बोल रहे थे कि शिव भैया और गौरी बैठेंगे पूजा में। ज्यादा बकवास मत करो, हम तुमसे कह रहे हैं ना तैयार होने के लिए, जाओ जाके साड़ी बदलो। जी अम्मा जी, वो हम देख लेंगे, जाओ। पंडित जी, जी सारी सामग्री आ गई है ना? जी जी, बस प्रसाद आता होगा जी, है ना? आप तैयारी शुरू कीजिए। जी पंडित जी, ये लीजिए प्रसाद। ये देवर जी और राम अभी तक नहीं आए। अरे भाई वो वहाँ दुकान पर गए ना, दुकान खोलने के लिए। वहाँ पूजा समाप्त करके विश्राम को वहाँ बिठा कर वापस आएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। ये आपने अच्छा किया। हाँ उर्मिला कहाँ है? आई अम्मा। आओ, आओ। हम आ गए अम्मा। अरे वाह उर्मिला, तुम तैयार हो गए बेटा? ये गहने बेटा? ये गहने सरला भाभी ने दिए हमें, जबरदस्ती पहना दी उन्होंने हमें। चलो अच्छा है, कम से कम सरला समझदार हो गई है। सुंदर लग रही है। दामाद जी कहाँ हैं? उनका फोन आया था अम्मा, वो थोड़े बिजी हैं, जल्दी आते होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये शिव गौरी अभी तक नहीं आए हैं? मुन्ना चलिए चलिए। गौरी तुम पूजा के लिए तैयार नहीं हुई? अम्मा वो गौरी जी के ऑफिस से फोन आया था, जरूरी मीटिंग है तो उन्हें निकलना पड़ेगा। देखा माता जी, आपने इसे बहू का अधिकार देके पूजा में बैठने के लिए कहा, लेकिन ये महारानी कुल खानदान की पूजा छोड़कर ऑफिस जा रही है। घर की मान मर्यादा से ज्यादा तो इसे ऑफिस का काम प्यारा है। नर्मदा जी, वैसे सच कहें, आजकल इस घर में हमारी सुनता कौन है? गौरी तुमने आज साबित कर दिया कि तुम इस घर की बहू कभी बनी नहीं सकती। और हमारी सुख शांति की तो तुम्हें परवाह ही नहीं है, है ना?
नर्मदा जी क्या कर रही हैं आप? ऐसे समय में ऐसी बातें होती हैं? बाबूजी, रहने दीजिए। हाय गौरी, तुम उदास मत हो। अम्मा जी को ना पहले से ही पता था कि तुम पूजा में नहीं बैठ पाओगी, इसलिए उन्होंने हमसे कहा था तैयार होने के लिए। देखो हम तैयार होकर आ गए, है ना अम्मा जी? क्या बकवास किए जा रही हो सरला तुम? नहीं अम्मा जी, आपने ही हमसे कहा था ना कि वो भारी वाली अच्छी वाली साड़ी पहन लो, वो शायद पूजा में बैठा पड़े, है ना? तो हमें लगा कि आपको पहले से पता होगा। नहीं, मैं फोन करती। हेलो तिवारी सर, मैं गौरी शुक्ल बात कर रही हूँ। सर मेरी छुट्टी पहले से ही अप्रूव हो चुकी है, तो आप ऐसे लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं सर, हमारे घर पूजा है, मैं नहीं आऊंगी। आपको जो एक्शन लेना है लीजिए। शाबाश, ये हुई ना बात। श्रीमती गौरी शिवकुमार शुक्ल, हमारी मुंबई वाली। बहुत बढ़िया जवाब दिया तुमने उस घर फोड़ू आग लगाऊ तिवारी को। अरे दिल खुश हो गया हमारा। जाओ बेटा जाओ, बढ़िया बढ़िया सी साड़ी पहन के आओ और अपने सारे गहने पहनो। अच्छे से सज संवर के आओ। जी दादी। पंडित जी पूजा शुरू कराइए। जी शिव बेटा, तुम आओ, बहू आए, तब तक गणेश स्थापना करते हैं। जी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो धर्म कार्यार्थ सिद्धे अर्थ कार्यार्थ सिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।